दोस्तों, अभी इस साल यानी कि 2021 में होंडा का एक्टिवा मॉडल का इंडिया में 20 साल पूरा हो रहा है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो 2001 में होंडा एक्टिवा पहली बार के लिए इंडियन मार्केट में आया था और ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर स्कूटर तभी से ही बन चुका है और आज की तारीख में इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर ऑटोमेटिक स्कूटर होंडा एक्टिवा अपने आप को साबित कर चुका है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और दोस्तों, ये जो आप मॉडल देख रहे हो ये है पर्ल नाइट स्टार ब्लैक कलर। इसका एक और मॉडल आया है यानी कि 20th एनिवर्सरी एडिशन का, आपको मैट ब्राउन मेटालिक कलर भी मिलेगा जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये पर्ल नाइट स्टार ब्लैक कलर है, इसका मैं आज आप लोगों को कंप्लीट वॉकअराउंड रिव्यू दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और मैंने ये वीडियो शूट किया है शाह होंडा ठाकुर पुकुर कोलकाता में। इनके शोरूम के एड्रेस और सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहे तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और किसी भी अपडेट ना मिस कीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो स्पेशल एडिशन वाला मॉडल है इसमें आपको कोई भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे कॉस्मेटिक चेंजेस ही देखने को मिलेगा। और नॉर्मल जो एक्टिवा का स्टैंडर्ड मॉडल है उससे लगभग आपको 1500 से 1600 रुपये इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। आगे की तरफ आप देख पाएंगे दोस्तों कि 20th एनिवर्सरी एडिशन का एक बैज आगे की तरफ लगा हुआ है रेड और सिल्वर कलर का। फिलहाल जो मॉडल आप देख रहे हो दोस्तों, ये स्टैंडर्ड मॉडल है और ये एनिवर्सरी स्टैंडर्ड मॉडल है, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता में 68,743 रुपीज़ है। ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप जरूर शोरूम के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप फ्रंट एप्रन में और फ्रंट मडगार्ड में स्ट्राइप्स देख सकेंगे गोल्ड और व्हाइट कलर में, और स्पेशल एडिशन का बैजिंग भी आपको फ्रंट एप्रन में और पीछे की तरफ बैक पैनल में मिल जाएगा यानी कि साइड पैनल में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको जो एक्टिवा का जो बैजिंग है ये पूरी तरीके से गोल्ड में मिलता है, जो कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फीचर लगा है। एक्टिवा का ये जो पूरा आप एम्बलम देख रहे हैं ये पूरा गोल्ड में यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे स्पेशल एडिशन की जो बैजिंग है ये भी मिल जा रहा है, जैसे कि आप देख पाएंगे साइड पैनल में आपको मिलेगा और आगे की तरफ भी मिल जाएगा। इसमें ये जो स्ट्राइप्स है दोस्तों, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी प्रीमियम सा और थोड़ा सा हटके वाला डिज़ाइन लगा है। तो आपको कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको ब्लैक कलर के स्टील रिम्स भी मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं हुआ है तो वही इंजन आपको मिलेगा। इसमें आपको ESP यानी कि एनहांस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी और साइलेंट स्टार्टर मोटर मैकेनिज्म मिल जाएगा। बहुत ही साइलेंट सा इंजन है और सिंगल सिलेंडर फैन कूल्ड 109.19 cc का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट होंडा इको टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इंजन यूज हुआ है। पावर है 7.7 bhp एट 8000 rpm और टॉर्क आपको 8.79 न्यूटन मीटर्स मिलेगा एट 5 to 50 rpm। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि BS6 के कैटलिटिक कन्वर्टर एग्जॉस्ट पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम इंजन तो सेम ही है, चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे सीट और इनर पैनल्स जो है ब्लैक कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट रखकर यहाँ पे इन्होंने ब्राउन में दिया है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगा है। पीछे अगर टेल लैम्प का काउल को देखें तो टेल लैम्प भी बिल्कुल सेम ही है जो कि आपको एक्टिवा 6G में मिलता है। इसमें आप दोस्तों देख लीजिए कि इनर पैनल्स और सीट्स बिल्कुल ही यहाँ पे चॉकलेट ब्राउन में दिया गया है, जो कि आपको मैट ब्राउन मेटालिक में नहीं मिलेगा, उसमें ब्लैक कलर का सीट्स और इनर पैनल्स आता है। और क्योंकि दोस्तों, ये आगे की तरफ आपको यहाँ पे हैलोजन बल्ब टाइप हेडलैम्प मिलेगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड एडिशन है यानी कि स्टैंडर्ड मॉडल है, तो आपको यहाँ पे LED वगैरह आगे की तरफ हेडलैम्प में नहीं मिलेगा। फ्रंट एप्रन आप देख लीजिए दोस्तों, फ्रंट एप्रन यहाँ पे फाइबर का है लेकिन मोस्टली जो गाड़ी है ये पूरा मेटल में बना हुआ है। आगे की तरफ आपको कुछ क्रोम स्ट्रिप्स वगैरह मिलेगा। फुल्ली ग्लॉसी ब्लैक कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। मडगार्ड यहाँ पे मेटल का है और मडगार्ड के ऊपर भी आपको स्पेशल एडिशन के स्ट्राइप्स वगैरह मिल जाएगा। इनर पैनल्स दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बिल्कुल ही ब्राउन कलर में इनर पैनल्स दिया गया है। चॉकलेट ब्राउन कलर में आपको सीट और इनर पैनल्स मिल जाएगा ब्लैक के साथ कॉन्ट्रास्ट रखकर, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सीट्स वगैरह जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है ब्लैक में, यहाँ पे ब्राउन ब्लैक के साथ ब्राउन को कॉन्ट्रास्ट रखकर। और यहाँ पे अगर हम स्विच गियर कंसोल और यहाँ पे हैंडल और देखें तो स्विच गियर यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है और इंजन किल स्विच के साथ इंटीग्रेटेड सेल्फ स्टार्ट स्विच आपको मिल जाएगा। पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 125 एक्टिवा से बिल्कुल ही इंस्पायर्ड होकर पीछे की बैकलैम्प क्लस्टर को बनाया गया है और पीछे भी आपको फुल्ली बल्ब सेटअप मिलेगा। मीटर कंसोल दोस्तों यहाँ पे फुल्ली एनालॉग टाइप का है और यहाँ पे कोई भी डिजिटल वगैरह आपको नहीं मिलता है। फ्यूल इंजेक्शन का जो यहाँ पे सिस्टम है, इंजन मैलफंक्शन लाइट का, उसका इंडिकेशन मिलेगा और बाकी यहाँ पे फ्यूल स्पीड ओडोमीटर आपको बिल्कुल ही एनालॉग पे मिल जाएगा। ऑल इन वन आपको की स्लॉट मिल जाता है और एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप इसमें दिया गया, यानी कि आप मेन स्विच जो यहाँ पे की कंसोल है वहीं से आप
फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं और इसमें फ्यूल और सीट दोनों ही ओपन करने का सुविधा आपको एक ही जगह से दिया गया है, यानी कि ऑल इन वन की स्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 5.3 लीटर्स का पहले की तरह ही आपको पेट्रोल टैंक यहाँ पे मिल जाएगा और एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप एक बहुत ही बढ़िया सा फीचर मैं कहूँगा। इसके बाद आप सीट्स देख लीजिए दोस्तों, अराउंड 765 mm का सीट हाइट है और सीट्स की अगर स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग और कंफर्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। अंडर सीट लगभग आपको 18 लीटर्स का स्टोरेज मिल जाएगा, जो कि आज की तारीख में मुझे थोड़ा सा कम लगा है इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। यहाँ पे अगर एटलीस्ट 20 से 21 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस होता तो और भी अच्छा होता। यहाँ पे आप दोस्तों देख लीजिए कि लेग स्पेस काफ़ी डिसेंट है, आप यहाँ पे इजीली एक गैस सिलेंडर कैरी कर सकते हैं। एक हुक आपको हैंडल के नीचे मिलेगा और एक हुक आपको सीट के नीचे मिलेगा, दोनों ही यहाँ पे फिक्स टाइप के हुक है। पीछे की तरफ अगर दोस्तों आप साइड पैनल्स को देखते हैं, साइड पैनल्स बिल्कुल ही मेटल में इसका बॉडी बना हुआ है और ग्रैब रेल भी यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है। होंडा की एक्टिवा का जो 3D एम्बलम है वो बिल्कुल ही गोल्ड में यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों 107 kg का कर्ब वेट है और ग्राउंड क्लियरेंस पहले से इंक्रीज होकर अभी 171 mm हो चुका है। एक्सपेक्टेड माइलेज आपको 50 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, तो माइलेज भी पहले से इंप्रूव हुआ है BS6 मॉडल में। और आगे की तरफ आप देख पाएंगे दोस्तों टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और 12 इंच का व्हील आपको आगे की तरफ मिल जाएगा। पीछे की तरफ 3-स्टेप एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन मिल जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे एक बहुत ही बड़ा सा एडिशन हुआ है कि जो व्हील्स है ये ब्लैक कलर में हो चुका है। दोनों ही तरफ आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा और CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम विथ इक्वलाइजर टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा। आगे की तरफ 90x90 साइज का आपको टायर आप देख पाएंगे यहाँ पे दिया गया है विथ सिटी फोकस ट्रेड पैटर्न। पीछे की तरफ देखें तो पीछे आपको पहले की तरह ही 10 इंच वाले व्हील मिलेगा 90x100 टायर्स के साथ और दोनों ही टायर्स यहाँ पे ट्यूबलेस दिया गया है। अब यहाँ पे इक्वलाइजर टेक्नोलॉजी जो है ये सिर्फ आपको होंडा की व्हीकल्स में ही मिलता है, किसी और कंपनी के स्कूटर में आपको नहीं मिलेगा। और ब्लैक कलर की ये जो स्टील रिम्स दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अलग सा दिखता है। तो दोस्तों यही ये जो मॉडल है ये मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा है। और अगर हम एक्टिवा की यूटिलिटी की बात करें या फिर आफ्टर सेल्स सर्विस की बात करें तो एक्टिवा एक ऐसा ही मॉडल है जिसका आफ्टर सेल्स और सपोर्ट आपको इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया तरीके का मिल जाएगा और किसी भी छोटे मोटे रोड साइड मैकेनिक से भी आप एक्टिवा की सर्विस करा पाएंगे। और स्पेशल एडिशन या फिर एनिवर्सरी एडिशंस की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये प्रीमियम लगा है इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग और इन टर्म्स ऑफ कलर। यहाँ पे अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आप ज़रूर एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर है उसमें कॉल करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और ये कलर कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने क्लोज सर्कल पर और आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।